गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग सिक्स क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है अपना नाइन, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद यानी हैदराबाद की बाजार के अंदर क्या क्या खरीदारी होती है, क्या क्या सामान बेचा जाता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट डू यू वेट, ओ ये वेंडर फेरी वाला है। व्हाट डू यू वेट यानी तुम किसका वजन करते हो। सेफ्रॉन एंड लेंटिल एंड राइस, सेफ्रॉन का अर्थ हो जाएगा केसर, लेंटिल यानी दाल और राइस यानी जो केसर दाल और चावल बेच रहा है इनका तोल वजन कर रहा है। What do you grind? ओ ये maidens, हे युवकों। What do you grind? तुम क्या पीस रहे हो। व्यापारी लोग पूछते हैं, कस्टमर या ग्राहक पूछता है, हे व्यापारी लोगों, हे युवकों। What do you grind? What do you grind? तुम क्या पीस रहे हो। Sandalwood, हीना एंड स्पाइस, तो व्यापारी जवाब देता है सैंडलवुड यानी चंदन पीस रहा हूँ, हीना यानी मेहंदी पीस रहा हूँ एंड स्पाइस और मसालों को पीस रहा हूँ। व्यापारी कहता है कि मैं चंदन, मेहंदी और मसाले पीस रहा हूँ। व्हाट डू यू कॉल, ओ ये पेडलर्स, हे पेडलर्स। व्हाट डू यू कॉल, तुम क्या कहते हो। क्रिम्स, चेसमैन एंड आइवरी डाइस यानी ये जो हाथी दांत हैं, चेम्सन हैं, हाथी के दांत हैं, इनके जो उपकरण हैं उनके बारे में व्यापारी लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। What do you weigh? तुम किसका वजन करते हो। हे वेंडर, हे फेरी वाले, तुम किसकी आवाज़ लगा रहे हो। केसर दाल और चावल। What do you grind? तुम क्या पीसते हो। ओ ए मेडन्स, हे युवको, तुम क्या पीस रहे हो। चंदन, मेहंदी और मसाले। What do you call? तुम क्या कहते हो। हे पेडलर, तुम क्या कहते हो। जेम्सन एंड हाइवरी डाइस यानी हाथी दांत भी तुम बेच रहे हो। इस प्रकार से हैदराबाद के बाज़ार के अंदर निम्न चीज़ें आपस में खरीदी जाती है और बेची जाती है। अगले स्टेंजा की मीनिंग लिखाते हैं, इसका ट्रांसलेशन करना है आपको, और अगले स्टेंजा की 10 मीनिंग लिखाते हैं, उन मीनिंगों को आपको याद करके लानी है। अगले स्टेंजा की मीनिंग है एम ए के ई मेक यानी बनाना, एम ए के ई मेक यानी बनाना। आर आई एन जी रिंग यानी अंगूठी, आर आई एन जी रिंग यानी अंगूठी। डब्ल्यू आई एन जी विंग यानी पंख, डब्ल्यू आई एन जी विंग यानी पंख। जी ओ एल डी, जी ओ एल डी गोल्ड यानी सोना, जी ओ एल डी गोल्ड यानी सोना। के आई एन जी किंग, किंग यानी राजा। जी ओ एल डी एस एम आई टी एच, जी ओ एल डी एस एम आई टी एच गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का अर्थ हो जाएगा सुनार। पी आई जी ई ओ एन एस, पी आई जी ई ओ एन एस पिजन्स, पिजन्स का अर्थ हो जाएगा कबूतर, पिजन्स यानी कबूतर। डी ए एन सी ई डांस यानी नृत्य करना या नाचना। सी आर वाई क्राई यानी चीखना या चिल्लाना। पी एल ए वाई प्ले यानी खेलना, पी एल ए वाई प्ले यानी खेलना। ये 10 मीनिंग अगले स्टेंजा की मैंने लिखाई है, पिछले स्टेंजा का आपको हिंदी ट्रांसलेशन करनी है उसकी, और अगले स्टेंजा की 10 जो मीनिंग लिखाई है उन मीनिंगों को याद करके लाना है, आगे कल बताएंगे।